वीजा जो था वो प्लास्टिक लाइन का था, हेल्पर था, और आपको काम यहाँ पे जो मिला वो शैम्पू का दिया। शैम्पू का दिया। अरे शैम्पू में क्या क्या होता था? देखिए, हमको कोविड हो गया था, दूसरी लहर में कोविड हो गया था। कोविड हो गया था भाई? कोविड हो गया था भाई, देख लो कोविड का भाई। दूसरी लहर में मुझे कोविड हुआ, खांसी जुकाम बुखार। जब क्वारंटाइन थे तो आपकी कंपनी आपको पैसा देती थी या काटती थी आपका? नहीं, अभी इस टाइम 2023 में खाने का कितना हो जाता है एक आदमी का, एक एवरेज दर बता दीजिए पूरे महीने एक आदमी सिंगल अगर बना रहा खा रहा है तो उसका लास्ट छुट्टी जब आप काट करके आए थे तो कितना, काटने आने के बाद तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? लास्ट छुट्टी मेरी थी 5 महीने की, अभी यही 27 अक्टूबर से उनको 1 साल हो जाएगा आपके। अच्छा, ये था सुजीत भाई का एक्सपीरियंस जो कि, सुजीत भाई आपको कितना टाइम हो गया? अरे यहाँ पे 10 साल। 10 साल हो गए। 10 साल। अच्छा, जल्दी जल्दी से आप थोड़ा सा शेयर कर दें, 10 साल में आपको ये कंट्री कैसा लगा यहाँ? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज हमारे साथ और एक भाई हैं इंडियन, जो कि हम उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो भाई आ जाओ। तो ये भाई हैं, चलिए इनसे बात करते हैं और इनका जो भी जॉर्डन के अंदर एक्सपीरियंस रहा है, किस काम में आए थे, कब आए थे और कैसे आए थे, विजिट वीज़े पे आए थे या वर्क परमिट पे आए थे, आए थे जब कितना पैसा लगा था, ये सारा कुछ आप लोगों के साथ इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इनका नाम है सुजीत गुप्ता। सुजीत भाई, आप इंडिया में कहाँ से हो? इंडिया, यूपी, उन्नाव से। यूपी उन्नाव से। अच्छा, जॉर्डन आप कब आए थे? 2014 में। 2014 में। तो जब आप जॉर्डन आए थे तो आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे था या किसी ऑफिस से आए थे? यहाँ कोई रिलेटिव नहीं था, हम लोग 5-6 लोग ने मुंबई से वीजा लगाए थे, सब लोग अपने एरिया के थे उन्नाव के। अच्छा, मुंबई ऑफिस से? मुंबई ऑफिस से सब लोग वीजा लगाया था। तो आपको आने में कितना पैसा लगा? 75,000 लगा था। 75,000 लगा था। तो आपका काम जो है कितने दिन में हो गया था? काम लगभग 3 महीने के। 3 महीने में हो गया था आपका काम। और मेडिकल वगैरह सारा कुछ उसी में? मेडिकल अलग से। मेडिकल अलग से। अच्छा, मेडिकल का कितना पैसा? 2250 लगता है। मेडिकल में वैसे क्या क्या होगा? मेडिकल में एक्सरे और ब्लड चेक करते हैं, यानी ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। वैसे मुझे तो पता है ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं, मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि भाई मेडिकल कैसा होता है, क्या होता है। नहीं, यहाँ मेडिकल इतना खास नहीं है। इतना खास नहीं है, चलिए ठीक है। अच्छा, तो विजिट वीजे पे आप भाई आए थे या वर्क परमिट पे आए थे? वर्क परमिट पे आए थे। तो आपका वर्क परमिट जो था किस काम का था, जरा बताएं? प्लास्टिक कंपनी का था। प्लास्टिक कंपनी का था। तो आप जब यहाँ पे आए तो फिर उसके आगे का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। यहाँ पर जब आए तो कंपनी लेकर आ गए हम लोग को शाम को। जी जी। यहाँ पे आए, उसके बाद कंपनी लेकर गए। जी। सुबह में कंपनी आए तो उसके बाद फिर टूटा फूटा कमरा दे दिए। जी। बोले इसी में रहना है, लैट्रिन बाथरूम उसी में, मकरता का काम सब ऐसे होते थे प्लास्टिक के। उन लोग ने बोला उसमें नहीं रहना है, अलग से कमरा दो, फिर दूसरा कमरा ले रहा है। जी। उसके बाद फिर ड्यूटी करने लगे। जी। तो ड्यूटी में हम लोग को लगाया सभी को, 6 लोग थे इंडिया से, सबको लगाया शैम्पू और प्लास्टिक का काम। नीचे होता था, बोतलें बनती थी, ऊपर हम लोग का काम था शैम्पू और सुपर जेल, सैप जली, ये सारा पैकिंग होता था। अच्छा, आपका काम जो वीजा जो था वो प्लास्टिक लाइन का था, और आपको काम यहाँ पे जो मिला वो शैम्पू का दिया। शैम्पू का दिया। अरे शैम्पू में क्या क्या होता था? सुपर जेल, सुपर जेल है, सैप जली है और फ्लैश है, ये सारा फ्लैश भरा जाता था। फ्लैश भरता था भाई, फ्लैश में तो बहुत दिक्कत होती है। फ्लैश में पूरा मतलब 3-4 ग्लव्स पहन के रखते थे, फिर भी हाथ में छाले वगैरह और कटिंग कट जाते थे, इस तरीके से फ्लैश होता था। उसका बोले कि नहीं, हम लोग बोला नहीं भरेंगे, हमारा प्लास्टिक काम है। तो बोले कि नहीं, तुमको करना पड़ेगा, 10 दिनार अलग से ले लो। हम लोग बोला नहीं, हम नहीं करेंगे, ये इंडिया चले जाएंगे, लेकिन ये पंजाब नहीं भरेंगे। 1-1.5 महीना तक ऐसे हुआ। उसके बाद वो लोग बोले अच्छा ठीक है, 8 घंटे तुम ये साबुन में काम करो, उसके बाद प्लास्टिक में नीचे जाके काम करना। अच्छा, फिर एक मतलब 1-1.5 महीने आपसे फ्लैश भरवाया गया साबुन के साथ साथ में फ्लैश। हाँ। और फिर जब आपने विरोध किया ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका साबुन का काम 8 घंटे आप करते थे। हाँ। और 3-4 घंटे आपको टाइम मिलता था, मिलता था। वो टाइम में ही हम लोग का वो प्लास्टिक काम होता था, ढक्कन लगाना है या पैकिंग करना है बोतल वगैरह ये सब। अच्छा, तो अच्छा एक चीज बताओ सुजीत भाई, यहाँ पे जब आप आए थे 2014 में तो आपकी बेसिक सैलरी क्या थी? 170 दिनार आपकी बेसिक सैलरी थी। और खाने का, रूम का,
आने जाने का ये कुछ कंपनी का खाने का 30 दिनार कंपनी देती थी, कमरा लाइट पानी ये कंपनी का था और आने जाने एक दो साल में टिकट कंपनी की थी। अच्छा अभी भी वही है। अच्छा अगर आप छुट्टी में जाते हो तो आपको आने जाने का कंपनी आपका प्रॉपर टिकट देता है? हाँ कंपनी टिकट देता है। और छुट्टी आपकी कंपनी कितने दिन ज़्यादा से ज़्यादा दे सकती है? अब इस हिसाब से मैं 3 बार इंडिया गए हैं, 3 बार में कभी 3 महीने 4 महीने, 1 बार गए हैं 5 महीने लगभग, तो मिल जाती है 4-5 महीने। अच्छा 5 महीने की कह सकते, 4.5 महीने मिल जाती है। तो भाई की कंपनी है जो कि अच्छी कंपनी है क्योंकि 5 महीने 4.5 महीने की छुट्टी दे देती है और आने जाने का टिकट देती है। अच्छा आईडी वगैरह जो सुजीत भाई यहाँ का बनता है आपका? आईडी ये है हवैया कामा, इसका मेडिकल वगैरह सब कंपनी देती है, सारा पैसा आपका कंपनी का होता है। तो अच्छा सुजीत भाई जब आप 2014 में आए तो यहाँ आने के बाद तो कोई इंडियन बंदा आपको इस एरिया में जहाँ पे आप हो इसमें दिखता था? नहीं इसमें कोई इंडियन नहीं था, कोई नहीं दिखता। इंडियन हम लोग जब कुछ दिक्कतें परेशानी आई, पैसे वगैरह ख़त्म हो गए तो साहब हम और हमारे एक साथ भाई थे, हम लोग साहब से जाके वहाँ से मदद लेके आए थे। भाई के पुराने अल्ता जमात भाई पुराने थे वहाँ पर, उनके साथ वहाँ जाके हम लोग पैसा लेकर आए यहाँ खर्चे के लिए। अच्छा यहाँ पे इंडियन तो यहाँ इंडियन कोई नज़र नहीं आता था, बंगाली वगैरह? बंगाली भी यहाँ नहीं नज़र आते थे, कोई नहीं दिखता था। चलिए अल्ता जमात साहब में सिर्फ बंगाली और इंडियन मिलते थे। अच्छा उस टाइम पे आपका जब 170 दिनार बेसिक सैलरी वगैरह था तब आप कितना रुपए, कितना जेडी, मतलब आप 12 घंटे काम करके कितना जेडी निकाल लेते थे? 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद वही 330-325 ओवर टाइम मिल गया, जैसे कोई हॉलीडे पड़ गया उसमें भी कंपनी चलती रहती थी, तो लगभग 340 के पूरे 30 दिन जितने होते हैं पूरा काम आपको करना है, कोई फ्राइडे छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, लास्ट 340 दिनार निकल जाता सब कुछ पकड़ के, जैसे कि मान लो हॉलीडे पड़ गया या बर्फ़ पड़ गई, बारिश हो गई ठंडी वगैरह में, तो कंपनी चलती ही रहती थी। अच्छा चलती बंद नहीं होनी, ओवर टाइम वो देती, ओवर टाइम मिल जाता था, तो 340 तक लास्ट हो जाता निकल जाता था। तो उस टाइम पे खाने वगैरह का कैसे क्या है जरा बताना, कितना खर्चा आता था और आप अपने हाथ बनाते खाते हो या बाहर से खाते हो? उस टाइम खाने का 30 दिनार 25 दिनार में एक आदमी का मतलब साथ में मिल के बना लेते थे, 3 लोग 4 लोग तो हो जाता था 25-30 दिनार, बहुत ज़्यादा 30 दिनार। और उसके बाद जैसे कि खाना पाना कंपनी का ही था, खाना और लाइट बिल कमरा कंपनी का था। अच्छा आप बनाते खाते अपने साथ? वैसे तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग बनाते खाते ही हैं क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन खाना बहुत कम मतलब ना के बराबर मिलने वाला है, अम्मान सिटी है जो कि वहीं मिलने वाला है। बाकी अगर आप वैसे जैसे गारमेंट्स लाइन यहाँ पर ज़्यादा है, गारमेंट्स एरिया है, तो वहाँ पे आपको इंडियन खाना मुश्किल है, लेकिन ये है समोसा पूरी ये सब मिल सकता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन डेली वो भी नहीं मिल सकता है। तो सुजीत भाई उस टाइम पे आपका पूरा महीने काम करने के बाद आप कितना जेडी मतलब बचा करके खाना पीना खर्चा पानी करके कितना जेडी आप इंडिया डाल देते थे और वो जेडी जो था कितना लगाते थे और कितना बनता था इंडियन रुपीज़ में? यही करीब 260-265 रुपये, 260 जेडी 265 जेडी लगा के 24-25 हज़ार रुपये बन जाता। अच्छा सुजीत भाई एक चीज़ और बताओ, जब आप आए थे 2014 में तो यहाँ का जॉर्डन का जो करेंसी है जैसे अभी इस टाइम पे एक जेडी का 117 रुपये कुछ मिला है मुझे, मैं अभी लगाया था जब शायद लास्ट पैड के पीछे 117 रुपये बन हाँ 2014 में क्या रेट मिलता था? 84 रुपये था एक दिनार का, 84 रुपये 84.5 अच्छा ठीक 85 बस। तो आपको ये साबुन वाला काम कितने दिन करना पड़ा भाई? साबुन का काम लगभग 1.5 साल चला था। उसके बाद अब आप क्या कर रहे हो इस टाइम? इस टाइम में हम लोग का ये दूध दही टीबा का ये सब काम है, प्लास्टिक टीबा वगैरह का, टीबा दूध अलियोम। अच्छा प्लास्टिक, अरे एक चीज़ बताओ यार, मैं ज़्यादातर जैसे जो लोग मुझे मिलते हैं जिनके साथ मैं वीडियो बनाता हूँ जी, तो प्लास्टिक ज़्यादा लाइन के लोग मिलते, क्या प्लास्टिक का काम यहाँ पे बहुत होता है? प्लास्टिक काम बहुत ज़्यादा है, प्लास्टिक काम बहुत ज़्यादा, मैं भी यही सोच रहा था। प्लास्टिक की पन्नी वगैरह हैं, टैंकी हैं, मतलब जॉर्डन में ज़्यादा आपको 99% जो भी है तो प्लास्टिक काम ही मिलेगा, प्लास्टिक काम मिलेगा। और उससे आगे जाओगे तो सिलाई गारमेंट गारमेंट्स का काम मिलेगा, गारमेंट्स का सबसे ज़्यादा है, फिर प्लास्टिक लाइन है, प्लास्टिक लाइन, फिर थोड़ा थोड़ा मतलब सब में मिल सकता है क्योंकि बहुत से बंदे गारमेंट्स लाइन में आते हैं, पैसा कम होता है, वहाँ से खली वली हो जाते हैं,
तो चलिए ठीक है, अभी आप इस टाइम पे सुजीत भाई पूरा महीना काम करके कितना जेडी महीने का निकाल लेते हैं? 375 जेडी, 380, 385। अच्छा 375-380 जेडी निकाल लेते हो। बेसिक सैलरी इस टाइम पे 2023 का आपका कितना है? 260 बेसिक और प्लस खाना रहना फ्री। फ्री तो इस टाइम पे फ्राइडे वगैरह कंपनी आपका चलता है? नहीं, फ्राइडे बंद है। फ्राइडे बंद है, यानी जब कोविड आया, कोविड के बाद से फ्राइडे काम कम हुआ है। काम कम भी हुआ है, काम है भी, लेकिन वो थोड़ा कंपनी का इधर उधर करके अपना निकाल लेते हैं फ्राइडे बंद कर देते हैं। अच्छा भी है कि सबको आराम मिल जाती है हफ्ते में एक दिन। ठीक है, इस हिसाब से तो ठीक है। आप अभी जो है कितना 370-375 बताया निकाल लेते हैं, तो अभी इस टाइम 2023 में खाने का कितना हो जाता है एक आदमी का, एक एवरेज दर बता दीजिए पूरे महीने का। एक आदमी सिंगल अगर बना रहा खा रहा है तो उसका लगभग 70 दिनार अकेले का सिर्फ यही खाने में बैठ जाता है। खाने में बैठ जाएगा। और मोबाइल वगैरह का खर्चे का क्या सिस्टम है? मोबाइल जैसे आप रिचार्ज बाहर से करा रहे हैं, सिम चला रहे हैं, तो थोड़ा ज्यादा, तो उसका 12 दिनार 11 दिनार उसका पड़ जाता है। और कोई मिलके राउटर वगैरह चला रहे हो तो 4 रुपये थोड़ा कम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, कोविड में आप यहीं पे थे या कोविड में थे? यहीं पे थे। कोई दिक्कत परेशानी वगैरह? दिक्कत यही थी कि हमको कोविड हो गया था, दूसरी लहर में कोविड हो गया था। कोविड हो गया था भाई, देख लो कोविड का भाई। दूसरी लहर में मुझे कोविड हुआ, खांसी जुकाम बुखार आया, मुझे नहीं विश्वास था तो मैं इधर उधर चेक कराया, एक्सरे निकाला, सब करने के बाद फिर कंपनी में एक डॉक्टर आया, उसको दिखाया तो बोला नहीं कोविड है। फिर विश्वास नहीं हुआ, फिर मैं गया सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ से कोविड टेस्ट कराया, मैसेज आया पॉजिटिव हो, तो फिर मैं कंपनी में बात करके 11-12 दिन कमरे में ही क्वारंटाइन। जब क्वारंटाइन थे तो आपकी कंपनी आपको पैसा देती थी या काटती थी आपका? नहीं, उसका तो पैसा दिया था 8 घंटे का। अच्छा, जो दवा पानी में लगा था वो दवा अपना था, दवा पानी का पैसा नहीं दिया, लेकिन 8 घंटे का आपका 8 घंटे का पैसा मिला। तो सुजीत जी, आप अभी 2023 में पूरा महीना काम करके जो आपने 380-385 बताया, तो फ्राइडे चलता है, फ्राइडे बंद रहता है। अभी आप कितना बचा के भेज देते हैं कंपनी? अभी मैं कंपनी से बचा के काम करके खर्चा निकाल के किसी में 32, किसी में 30-32 हज़ार रुपये लगा देते। तो ये था सुजीत भाई का एक्सपीरियंस। जो कि सुजीत भाई, आपको कितना टाइम हो गया यार यहाँ पे? 10 साल 10 साल हो गए। 10 साल। अच्छा, जल्दी जल्दी से आप थोड़ा सा शेयर कर दें, 10 साल में आपको ये कंट्री कैसा लगा, यहाँ के लोग कैसे लगे, मौसम कैसा, क्योंकि सर्दी का टाइम। मौसम तो बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है ना, इतनी गर्मी होती है, ठंडी होती है, ठंडी में तो आप कहीं भी रह सकते हैं कि गर्मी नहीं रही। आपका कंपनी कैसा है? कंपनी अच्छा है। कंपनी में जब भी अगर इमरजेंसी में आना जाना हुआ तो छुट्टी दे देती है, साल भर में 8 महीने में 11 महीने में इमरजेंसी लग गया तो मालिक तक बात पहुंचनी चाहिए, बाकी छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा, लास्ट छुट्टी जब आप काट करके आए थे तो कितना, काटने आने के बाद तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? लास्ट छुट्टी मेरी थी 5 महीने की, अभी यही 27 अक्टूबर से उनको 1 साल हो जाएगा आपके। अच्छा, ये शायद इसी मंथ हो जाएगा, ये साल भर अक्टूबर में ही। तो अभी क्या विचार है, जाने वाने का? जाने का है बस, यही ये काम खत्म हो जाए, अप्रैल में खत्म होगा 14 तारीख को। अच्छा, 14 अप्रैल को भाई का काम खत्म होगा, फिर ये फिनिश जाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये था सुजीत भाई का जो भी था थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस, सुजीत भाई ने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में और किसी नई जानकारी या किसी नए प्लेस या किसी नए वर्कर के साथ। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।